जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनेता अपने अपने दौरे चुनाव प्रचार करते जा रहे हैं। पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की और इनेलो से अभय नेता भी पदयात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, और महम से जो विधायक हैं बलराज कुंडू वो भी जन जागृति यात्रा निकाले हुए हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। बलराज जी, जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, कहाँ से आपने शुरुआत की और किन रास्तों से होकर इसका कहाँ समापन होगा? नांगल चौधरी से स्टार्ट की थी 26 जनवरी को, नांगल चौधरी नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी को बाड़ा होते हुए और कलानौर महम चलाना नारनौंद बरवाड़ा उकलाना हो गया, आज ये नरवाड़ा पहुंची है और नरवाड़ा से आज उचाना से कैथल हो गए, तीतर मोड़ हो गए और कुरुक्षेत्र। जैसे आप कई एरियो में यात्रा निकाल चुके हैं, तो आपको लोगों का किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है? ये आपके सामने ही लोगों का हो, जो ये सरकार की नीतियों के खिलाफ तो लोगों का रोष आक्रोश है। आज लोग पूरी तरह त्रास्त और धगे हुए महसूस कर रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। ये सभी पार्टी के नेताओं से तंग आ चुके हैं, उनके झूठे बड़ी बड़ी बातें करके जो लोग लुभावने सपने दिखाते हैं, उनसे लोग पूरी तरह प्रताड़ित और पीड़ित हैं। लोग चाहते हैं बदलाव, नई सोच, युवा पीढ़ी और जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये जो मैं जागृति यात्रा कर रहा हूँ, इस बात को सुन के हर लोग आज प्रदेश के जहाँ जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार अपना मन बनाते जा रहे हैं, और आने वाले समय में इस जन जागृति यात्रा की जो चिंगारी है वो पूरे प्रदेश में एक ज्वालामुखी की तरह फटेगी, और इस प्रदेश के जो ये पार्टी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं इनको नकार कर एक नई ऊर्जा युवाओं की जो है विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। एक मैं इस बात का दावा और मुझे विश्वास है, लोगों का गुस्सा और रोष देखकर सरकार की नीतियों के खिलाफ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 50 से 60 अधिक युवा आने चाहिए और परिवर्तन आ गया, सत्ता परिवर्तन, तो आप अगला आपका कदम क्या होगा? कोई अपनी पार्टी दल बनाएंगे या किस प्रकार संगठित करके नई सरकार का रूप बनाएंगे? ये लोग डिसाइड करेंगे। इस जन जागरण यात्रा के बाद मैं हर एक हल्के में जाऊंगा, लोगों से विचार विमर्श करेंगे। इस यात्रा के बाद में कोई रैली की भी प्लानिंग कर रहे हैं, हम हरियाणा के बड़ी रैली हरियाणा स्तर की करेंगे, उसके बाद लोगों से चर्चा करके आगे की रणनीति और आगे की बात तय करेंगे। अगर कोई पार्टी भी का गठन भी करना पड़ा तो आप वो पार्टी का गठन भी कर सकते हैं? जो लोगों की राय होगी उस पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ बलराज कुंडू जो जन जागरण यात्रा चलाए हुए हैं, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई पार्टी का गठन करना हुआ तो वो भी करेंगे वो, लेकिन नरवाना के अंदर सत्ता परिवर्तन, हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। नरवाना से पंजाब के जरिए गुरशन चावला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।